हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के सेशन से हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, जिसको ओबी बोलते हैं। इस बुक को हम एनालिसिस करेंगे। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हम हर एक बुक का जो आपके सिलेबस में है, यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल, इसमें 10 सब्जेक्ट्स हैं, पार्ट वन मतलब पेपर वन एंड पेपर टू। तो ओबी आपका पेपर टू का पार्ट है, और वो पेपर टू में भी पार्ट ए एंड पार्ट बी होता है। तो पार्ट ए में आपका ओटी एंड ओबी होता है, एंड पार्ट बी में एचआरएम एंड आईआर होता है। सो पार्ट ए में जो आपका एक पेपर है ओटी, उसका हम एनालिसिस ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है, आप उसे देख लें। और दूसरा जो पेपर है वो ओबी है। स्टूडेंट कई बार इस मैटर को लेकर क्वेरी करते हैं कि मैम ओटी ओबी एक ही सब्जेक्ट है, क्योंकि कहीं पर भी खोजने जाओ तो एक ही बुक मिलती है, ये सेपरेट बुक नहीं है। सो दिस इज़ रॉन्ग। और यही वजह है कि इंटरव्यू में एग्जामिनर ने इस मौके को देखा और क्वेश्चन पूछ लिया एक स्टूडेंट से ही कि ओटी और ओबी में डिफरेंस क्या समझते हो। तो आपको ओटी और ओबी में डिफरेंस पता होना चाहिए। ये ओबी की बुक है, एक सेपरेट बुक है, ठीक है। आप को मैं सपोर्ट कर सकूँ कि आपके बुक आपके लिए आप एनालिसिस कर सको इस बुक को बाय करने से पहले, ठीक है। तो ये बुक है स्पेसिफिकली, कोई नोट्स नहीं है यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल की रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो सबसे पहले हम सेम स्ट्रैटेजी ही ऑप्ट करेंगे कि हमारे सिलेबस का क्या पार्ट था और वो पार्ट सारा कवर है कि नहीं कवर है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट हम देख सकते हैं, सिलेबस का पार्ट है, ठीक है। और यहाँ पे आपका मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट कवर अप किया है। सेकंड आपका इंडिविजुअल के प्रस्पेक्टिव में पहला जो आया है वो पर्सनैलिटी है, फिर परसेप्शन है। हम देख सकते हैं हमारे इंडेक्स में पहला पर्सनैलिटी है, फिर परसेप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका मोटिवेशन का, देन यू कैन सी आपका फोर्थ पॉइंट मोटिवेशन का है। देन आपका सिलेबस का पार्ट है लीडरशिप, तो हम ये देख सकते हैं हमारा फिफ्थ पॉइंट जो है ये लीडरशिप है आपका, ठीक है। उसके बाद आपका क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ है नेक्स्ट पॉइंट, तो हम देख लेते हैं क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ एक सेपरेट पॉइंट है, सिक्स नंबर। देन सिलेबस में आपका है क्वालिटी सर्कल, सेवन्थ पॉइंट। तो ये आपका सिलेबस में सेवन्थ पॉइंट क्वालिटी सर्किल है, ठीक है। एट्थ पॉइंट है आपका मैनेजमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन ऑर्गेनाइजेशन, तो एट्थ पॉइंट आपका मैनेजमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। नाइन्थ पॉइंट है आपका ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, तो ये नाइन्थ पॉइंट आपका ट्रांजैक्शनल एनालिसिस का है, ठीक है। टेंथ पॉइंट है आपका ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, तो हम देख सकते हैं ये आपका ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस भी गिवन है। एंड देन इलेवेंथ पॉइंट है आपका मैनेजमेंट ऑफ चेंज, ये आपका इलेवेंथ पॉइंट है मैनेजमेंट ऑफ चेंज। तो जो बेसिक क्वेरी रहती है कि क्या हमारा सारा सिलेबस कवर अप हो रहा है, किसी बुक को हम बाय करते हैं तो हमारा पहला व्यू यही रहता है कि हमारा सिलेबस पॉइंटर जो है वो कवर अप होना चाहिए। तो आपको मैंने ये कनेक्ट करा दिया कि जो आपका सिलेबस है वो फुल्ली आपको जो है यहाँ पे कवर्ड है। अब नेक्स्ट पॉइंट कि वो कैसे कवर्ड है और उसकी प्रेजेंटेशन क्या है, हम उसे देखते हैं। ये आपके सामने मैंने पहला चैप्टर ही खोला है। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, और स्कॉलर की मीन जो एक ऑथर की डिफिनीशन भी दे दी गई है यहाँ पे लुईस एलन की, ठीक है। फिर ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्या होता है, और डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स की डिफिनीशन दी गई है हमें क्यों पढ़ना चाहिए, वाई टू स्टडी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, ये भी आपको यहाँ पे शेयर कर दिया गया है। फिर नेचर को सेपरेटली बताया गया है। तो ये आपने देखा कि भाई कई बार स्टूडेंट के मन में ये क्वेश्चन आता है कि क्या ऐसा तो नहीं कि बेसिक्स मेरा क्लियर नहीं है, या बेसिक क्लियर है बट रिवीजन नहीं किया हुआ है, या हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो क्या ये बुक सफिशिएंट होंगी। तो आपने ये देखा कि बेसिक्स आपको कनेक्ट कराया गया है, ठीक है। ओबी की मीनिंग क्या है वो भी बताई गई है, डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स की जो डिफिनीशन है ये भी दी गई। क्यों दे दी इतने सारे ऑथर्स की डिफिनीशन, तो हमने ऑलरेडी एक एनालिसिस कवर अप किया है कि पहला एक एनालिसिस है कि आपको किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना कैसे है, लाइक हाउ टू स्टडी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, हाउ टू स्टडी ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, हाउ टू स्टडी इनकम टैक्स और टैक्सेशन, हर एक टॉपिक पे कवर अप हो चुका है वीडियो। अगर आपने उसका बेनिफिट नहीं लिया है तो आप उसका बेनिफिट डेफिनेटली लें। इंटेंट है कि आपको मैक्सिमम सपोर्ट कर सके, जो स्टूडेंट मेनली जो है आपका सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो उन्हें भी सपोर्ट किया जा सके, और जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं उनको तो एक्स्ट्रा सपोर्ट विद सप्लीमेंट्री नोट्स मिलता है।
तो आपने अगर सेल्फ स्टडी भी करनी है तो आपको ये ऑनलाइन मिल रहा है कि कैसे पढ़ना है पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, और प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस भी कवर्ड है। ऑन एन एवरेज 10 ईयर्स का एनालिसिस आपका ऑलरेडी कवर्ड है। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स के वर्डिक्स आ जाते हैं, उसको जो है एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उसे एक्सप्लेन करें या उसके बेसिस में कुछ चीज़ों को, उनके नेचर को, कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करें, है ना। तो इसीलिए ये आपकी तैयारी यहाँ पर सारी हो रही है। हमें सब्जेक्ट क्यों पढ़ना है, क्योंकि तभी तो आप सब्जेक्ट से कनेक्ट हो पाओगे। जब तक आपको पता ही नहीं आपको क्यों भाई, आपको तैयारी इंटरव्यू तक करनी है। आप ये क्यों सोच रहे हो कि मेन्स से के बाद देखा जाएगा, नहीं, आपको तैयारी इंटरव्यू तक करनी है। सारी चीज़ें यहाँ पे आपके कवर्ड हैं, ठीक है। स्कोप को हमने देखा, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स हैं, लेवल वगैरह है, नीड है आपका, कंटिजेंसी लिमिटेशंस है, और बिहेवियर के जो मॉडल्स हैं, ठीक है, ये सारी बातें यहाँ पर जो है, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के जो मॉडल हैं, ऑटोक्रेटिक, कस्टोडियल, सपोर्टिव, तो इनको भी डिफरेंट डिफरेंट जो है बोल्ड वर्ड में दिया गया है। प्लस उनमें जो इम्पॉर्टेंट एरियाज़ हैं उसको बोल्ड किया गया है, आप देख सकते हैं जगह जगह पे। तो जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट है उसे बोल्ड किया गया है, ठीक है। ये फॉर्मले के फॉर्म में भी जहाँ जहाँ पे पॉसिबल हुआ और जहाँ पे एड इन पॉसिबल है रिक्वायर्ड ऐड किया गया है, ताकि स्टूडेंट को एक बर्ड आई व्यू मिल सके कि उसे इन बातों का ध्यान रखना है। और आपने कई जगहों पे आपने देखा होगा कि पॉइंटर्स को बोल्ड किया गया है। अब फंक्शंस दिए हैं, ऐसे बता दिए, लेकिन उसको अंदर डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको जस्ट एक ओवरव्यू दे रही हूँ। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का जो मॉडल है, SR मॉडल आपका, SOR मॉडल, फिर SOBA मॉडल है आपका, ठीक है, फिर SOBC मॉडल है, आप देख सकते हैं। तो ये आपने देखा कि कैसे आपका कवर अप हुआ है। तो अगर स्टूडेंट के मन में कई बार ये क्वेरी रेज होती है कि क्या बेसिक से कवर अप किया है, क्योंकि आपने रिविजन नहीं किया है या आपने कभी ये टॉपिक के बारे में पढ़ा ही नहीं था और आपके बारे में कुछ नहीं आपको पता। कई बार स्टूडेंट्स जो होते हैं उनका रिव्यू ये मिलता है कि मैम लाइक ये जो बेसिक से कवरेज है इससे कॉन्फिडेंस आता है सब्जेक्ट के प्रति। और आपको जब एक बार सब्जेक्ट के प्रति कॉन्फिडेंस और इंटरेस्ट क्रिएट होने लगेगा तो ये जो बुक है ना, ये आपके लिए एक मतलब एक नॉवल की तरह होगी, जो इसको आप वन शॉट पर कम्प्लीट करना चाहोगे, है ना। ये बहुत सारे पर्सनैलिटी ट्रेट हम जंप करके हम देखिए, ये सारे पर्सनैलिटी ट्रेट को इंडिविजुअली 15 ट्रेट हैं, सारे के सारे ट्रेड्स को काफ़ी डिटेल में जो है आपके एक्सप्लेन किया गया है। कई बार ये आपके पे क्वेश्चन जो कंपलसरी क्वेश्चन हैं उन पे भी रेस्ड हो जाते हैं, है ना। तो स्टूडेंट के मन में क्वेरी ये जो रेस्ड होती है कि बुक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, या भाई सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आपने बेसिक से कनेक्ट हो जाओगे तो ऑटोमेटिकली आप कवर अप कर लोगे। एक बार आपने ये बुक कवर अप कर ली तो आप कॉन्फिडेंस हो जाओगे कि भाई आपका एक सब्जेक्ट कवर अप हो गया है, है ना। तो मैंने आपको एक चैप्टर से ओवरव्यू करा दिया, ठीक है। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जनरल जो क्वेरी रहती है, मोटिवेशन का एक चैप्टर मैं कनेक्ट कराना चाहूँगी। कई बार स्टूडेंट को उनसे डाउट रहता है, पेज नंबर 74, ठीक है, ये मोटिवेशन का चैप्टर आप देख सकते हैं। तो मोटिव क्या है, मोटिवेटिंग क्या है, मोटिवेशन क्या है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स की डिफिनीशन दी हुई है। नेचर को एक्सप्लेन बताया गया है सेपरेटली, नीड्स को एक्सप्लेन किया गया है, टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन का प्रोसेस हो गया, ठीक है। एक जस्ट ओवरव्यू मैं करा रही हूँ, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल टू शो एवरी पेज, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट थ्योरी है, आप देख सकते हैं काफ़ी डिटेल में थ्योरी है, एजम्पशंस हैं, फिर उसके ड्रॉबैक्स और क्रिटिसिज्म, जहाँ जहाँ पे जो भी पॉइंटर बन सकते हैं वो सारे इंक्लूड किए गए हैं, अगर आप देख सकें ना, ठीक है ना। तो आई होप आपको इतने से आइडिया लग चुका होगा कि क्या इस बुक में जो आपके क्वेश्चंस रहते हैं जनरली स्टूडेंट के, कि क्या आपका सिलेबस कवर अप हो रहा है, तो आप देख सकते हैं येस। सेकेंड, कि क्या ये बेस से कवर है, जंप तो नहीं किया, तो आपका पहले आप देख सकते हैं पूरा कंप्लीट इंटरेस्ट बना रहे हैं सब्जेक्ट में, ताकि आपको इंटरेस्ट क्रिएट हो और बेस से कवरेज है। दूसरा, प्रेजेंटेशन, भाई बुक हैपहज़ार्ड फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, प्रॉपर स्पेस मार्जिन, ताकि इंटरेस्ट क्रिएट हो। तो आप देख सकते हैं प्रॉपर क्लियर प्रेजेंटेशन है, आप आराम से उसको रीड कर सकते हैं,
कोई भी आपको डिफ़िकल्टी नहीं होगी। दूसरा, अगर सेल्फ नोट बनाना है तो क्या हमें लिखने की ज़रूरत पड़ेगी? और तो आप खुद ही देख सकते हो, यहाँ पे आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो बुलेट पॉइंट्स है, बोल्ड पॉइंट्स है, आप उसे स्ट्रेट अवे रीड कर सकते हैं। ठीक है, आपको सेपरेट मेरे को नहीं लगता कि किसी भी स्टूडेंट्स को नीड पड़ेगी। हाँ, अगर न्यूज़ के कुछ पॉइंटर्स हैं या आपका कोई खुद का वीक एरिया है, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अब स्पेसेस जो है अप्रॉक्सीमेटली काफ़ी अच्छी स्पेसेस हैं हेडर और फुटर में भी। तो अगर आपने नोट्स भी बनाना है, इधर ही बनाना है, 10 बुक नहीं बनाना, क्योंकि जब एग्ज़ाम सर पे होता है और वो जो 1 डे रिवीजन का टाइम होता है तो आपके पास टाइम नहीं बचता है। मेरी कोशिश रहेगी, आई एम नॉट प्रॉमिसिंग एग्जैक्टली कि मैं कब कर पाऊँगी, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि जो स्टूडेंट्स ने बुक्स ऑप्ट की हैं उनको एक ट्री टाइप डायग्राम्स हम प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, तो वो भी मैं आपको भी 100% कमिटमेंट नहीं दे रही हूँ कि वो मैं कब लिख करके आऊँगी, बट हाँ मैं लेके आऊँगी, बिकॉज आई एम वर्किंग ऑन दैट, बिकॉज आई एम वर्किंग विथ सम अदर लाइक टीम ऑल्सो, सो वो भी मैं लेके आऊँगी। और अगर आपके एग्ज़ाम से पहले मैं नहीं भी लेकर के आई तो मैं एक स्टूडेंट की गेट टुगेदर कंडक्ट कराऊँगी जिन्होंने बुक्स ऑप्ट की हैं, ताकि उस सेशन में मैं उन्हें सिखा सकूँ कि वो क्विकली अपने लिए वो पढ़ते वक्त टी डायग्राम्स कैसे बनाएं और उसको एग्ज़ाम में कैसे अप्लाई करें, मैं वो भी कवर कराऊँगी। जितना पॉसिबल सपोर्ट होगा आई विल डेफिनेटली डू। ठीक है, तो मैंने आपको जैसे प्रॉमिस किया था कि मैं सारे के सारे 10 बुक्स को आपको ओवरव्यू कराऊँगी, ताकि आप अपनी डिसीजन मेकिंग, एक साउंड डिसीजन मेकिंग ले सकें अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि कॉमर्स ऑप्शनल इज़ जस्ट अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर UPSC सिविल सर्विस मेंस प्रिपरेशन। ठीक है, तो आई होप आई हेल्प्ड यू। ठीक है, स्टिल अगर आपकी कोई क्वेरी अनआंसर्ड है, जेन्यून क्वेरीज, आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जेन्यून का मतलब कई बार स्टूडेंट ऑफेंड हो जाते हैं, सो समटाइम ऐसे स्टूडेंट आते जो ये बोलते पूरी बुक की मैम PDF दे दो, इट्स नॉट पॉसिबल ना। आप खुद सोचो, इज़ इट पॉसिबल? नहीं, ये बुक भी हार्डवर्क इन्वॉल्व करती है, ट्रिमेंडस हार्डवर्क है ना, सो इट्स नॉट पॉसिबल। और इवन वी टुक अ स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑन दिस इन एवरी प्रिंट, हमारा जो है कॉपीराइट स्ट्रिक्ट कंट्रोल है, तो बुक इज़ फॉर इंडिविजुअल यूज़। सो आई होप आई हेल्प्ड यू टू कनेक्ट यू विद दिस बुक। ठीक है, हमारी एक कोशिश और चल रही है कि हम स्टूडेंट कोई क्वालिफाई हो जा रहा है या पढ़ ले रहा है या किसी कारणवश अपने एग्ज़ाम को ड्रॉप कर रहा है, तो वो अपनी बुक्स को कम कॉस्ट पे दूसरे स्टूडेंट्स को ऑफर कर सकें, ताकि हम नेचर को इससे हेल्प कर सकें, बिकॉज पेपर में वी आर वर्किंग ऑन इट कि जो है हमारा नेचुरल रिसोर्स कॉम्प्रोमाइज़ होता है। तो हमारी कोशिश है एंड वी आर वर्किंग ऑन दैट, बिकॉज कॉपीराइट मटेरियल है और हमारा रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी है, तो वी आर वर्किंग। एंड अगर जैसे ही अप्रूव हो जाता है कि कोई स्टूडेंट जो अगर स्किप आउट कर रहा है या क्वालिफाई भी कर चुका है और वो चाहे तो अपनी बुक्स को रीयूज़ के लिए किसी स्टूडेंट को अगर वो देना चाहते हैं, इट्स एन ऑप्शन, और कोई स्टूडेंट बाय करना चाहते हैं, तो वो भी हम ऑप्शन लेकर के आएंगे। वी आर वर्किंग ऑन इट एंड विल प्रॉमिस कि हम नेचर को भी सपोर्ट करने के लिए जितना मैक्सिमम पॉसिबल कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं हम डेफिनेटली करेंगे। ठीक है, आपको बस हमारे साथ कनेक्टेड रहना है। ठीक है, और जो भी ऐसे अनाउंसमेंट एंड अपडेट्स होगी हम आपको यहाँ पे शेयर कर देंगे। सो आई होप आई हेल्प्ड यू टू इंट्रोड्यूस विद ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इन शॉर्ट SOB, और हमने और सारी बुक्स की कवरेज कर ली है, हमारी बस IR और HRM की बुक का ओवरव्यू हम शेयर कर देंगे। एंड विद दिस मेरा प्रॉमिस जो मैं आपको करती हूँ, और आई एम डेफिनेटली कम्प्लाई विद दैट, मैं उसे पूरा भी करती हूँ, मैं आपको उन दोनों बुक से ओवरव्यू करा दूँगी ताकि आप अपनी साउंड डिसीजन मेकिंग कर सकें। सो आई होप आई हेल्प यू। स्टिल एनी क्वेरी लेफ्ट प्लीज़ टू आस्क इन अ कमेंट सेक्शन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।